और एक बहुत प्यारी बच्ची से आपकी मुलाकात कराते हैं। नतालिया इनका नाम है। चाई हुए सोशल मीडिया पर क्यों? क्योंकि इन्होंने भारतीय प्रोफेसर को 7 सेकंड से शिकस्त दी है। वो रिकॉर्ड जो उनके नाम था वो रिकॉर्ड अब इनके नाम है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 7 सेकंड्स के फर्क से, 7 सेकंड्स के फर्क से किरण पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाया, और कितनी जल्दी बनाया, कितनी फुर्ती से बनाया। वो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपकी इनसे मुलाकात कराएंगे। मुख्तलिफ जुज को हाथों से तेजी से बोर्ड पर सजाना आसान नहीं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 1-1 सेकंड होता है अहम, जिसे 9 साल की नतालिया ने चैलेंज समझकर पूरा किया और सिर्फ 2 मिनट 42 सेकंड्स में पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स सेट करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। हमने टाइम मैनेजमेंट की, हमने प्लेसमेंट की, उसके बाद हमने जाके रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे कबल ये रिकॉर्ड इंडिया की PhD प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल के पास था, जिसे छोटी सी परी ने तोड़ दिया। नतालिया नजम बचपन से ही साइंसी तजर्बात करने का शौक रखती है, जिसे हर कदम उसकी वालदा की हमायत हासिल है। घर के अंदर प्रैक्टिस रन्स के अंदर शी वाज डूइंग फिनोमेना, लेकिन वो जाहिर है इतने सारे लोगों को देख के काफी नर्वस हो गई, बट थैंक गॉड हो गया। I mean, a record broken is a record broken. नतालिया केमिस्ट्री को अपना मनपसंद मजबून बताती है, जबकि बड़ी होकर वो बायोकेमिस्ट बनना चाहती है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ तहीन अहमद, समा लाहौर। जबरदस्त जी, तो क्यों ना उनसे बात की जाए। हमें ज्वाइन किया नतालिया नजम ने, उनकी वालिदा शीना और वालिद हसन नजम। आप सबको वेलकम कहेंगे नया दिन में। और मैं चाहता हूँ नतालिया, हम सबसे पहले आपसे बात करें। नतालिया, आई होप यू आर हैविंग ग्रेट डे। हाउ ओल्ड आर यू? I am 9 years old. You're just 9 years old and you have done this. I'm amazed. Honestly, I'm amazed. Congratulate to kar de. Yes, congratulations from Team Naya Din as well. Happy? Thank you. Yep. That's great. Sheena sahab bhi saath maujood hai hamare, aapki walida ya nahi? ओके जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, कैमरा आप पर नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। ये बताइए, सारी मेहनत शीना की है, आप दोनों ने कितनी मेहनत की है खुद? मैंने और मेरे हस्बैंड ने। बिल्कुल, आप बताएं पहले अपना, फिर मैं बेटी के बारे में बात करूंगी। नहीं जी, ये मेहनत तो जाहिर है, शी इज जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड। ये तो हमने खेल में काम शुरू किया था। नो आइडिया कि ये किधर तक पहुंच जाएगी बात, और ये रैकेट टूट जाएगा। आप वैसे खेल खेल में एजाज घर आ गया। आप खुद भी कहीं केमिस्ट तो नहीं है? मैं काश होती, लेकिन नहीं हूँ, बट आई जस्ट लव टू लर्न एंड एक्सप्लोर थिंग्स एज वेल। नहीं, लेकिन आप में और हसन साहब बहुत एक्सपेरिमेंट्स हम इकट्ठे कर रहे होते हैं। ग्रेट, लेकिन आप दोनों में से केमिस्ट्री किसको पसंद थी? मुझे पसंद तो मुझे थी, ओके, बट आई डिड नॉट परसू इट आफ्टर प्री मेडिकल, उसके बाद नहीं की। बट क्या कहते हैं, आई रिसर्च्ड अ लॉट अबाउट इट। सो ये खेल खेल हमने शुरू किया था। Okay. मुझे जी केमिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड नतालिया, आई गेस यू लव केमिस्ट्री। ये इतनी खामोश रहती हैं। ध्यान था मेरे ख्याल से। ये सारा ध्यान इनका पढ़ाई पे है। वैसे थोड़ी रूटीन शेयर करेंगी नतालिया, इफ यू कैन शेयर योर रूटीन, डेली रूटीन ऑफ स्टडी एंड यू नो एनी एक्टिविटी अदरवाइज। वेक अप एट अराउंड 11-12. So late, due to lockdown? Breakfast. Yeah, pretty okay, much. Okay, cool. And after breakfast, what's next? Brushing my teeth. So sweet and so honest. Going into nitty-gritties actually. नाश्ते की बारी नहीं आई। ये मैं ना मम्मी बाबा आप दोनों से पूछना चाहूँगी, हसन साहब आपसे भी, शीना आपसे भी। खेल खेल में बच्चे को पढ़ा देना या बच्चे के साथ बैठ के बातें करना, उसके साथ खेलना, बच्चे के लिए बेहतरीन लर्निंग यही है या फिर सर पे उसके खड़े हो जाओ और होमवर्क कराओ, ये सब कुछ आप लोग हमें थोड़ा सा वो तरीका अपना बताएंगे? बहुत सारे पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं अभी। एक्चुअली खेल खेल के अंदर पढ़ाना इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। अब वो जमाना रह नहीं गया कि किताब के अंदर नाक घुसा के बैठे हुए हैं एंड यू आर जस्ट स्टडीइंग अवे।
सो मेनी वेज टू एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन. तो हमने यही खेल खेल में तरीका निकाला और इसको पीरियोडिक टेबल सिखाया. और सिर्फ ये नहीं कि पीरियोडिक टेबल इसने सीखा, बट शी नोज एवरीथिंग अबाउट द एलिमेंट्स. एंड देन जो वो एक्चुअली उसकी प्लेसमेंट थी, जब हमें पता चला कि जो ये एक्चुअली ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो उसको बीट करने के लिए इट वॉज जस्ट लाइक एन एथलेटिक स्पोर्ट. एंड जिस तरह एक एथलीट की ट्रेनिंग करते हैं वेरी वेरी बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ, उस तरह हमने इसकी ट्रेनिंग की. एंड 40 डेज का चैलेंज था. सही. तो 40 दिन 20-25 मिनट पर डे, दैट्स इट. ओके. और इसमें हसन साहब आपकी कंट्रीब्यूशन क्या रही, बिकॉज आपको तो केमिस्ट्री पसंद भी नहीं है, आपने क्या किया? मेरा जी बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा मेरा इसमें. वो ये था कि बच्ची को माँ से बचा के रखो. इतनी सख्त है वो. मैं काफी सख्त कोच हूँ. ओके. और ये थोड़ा सा समझाएं आप हमें, वो 20-25 मिनट की जो एक पूरी एक्सरसाइज थी, खेल खेल में सीखना और पढ़ना था, उसमें कोई ब्रेक्स नहीं है बीच में, उसके बाद ही है एक वो थोड़ा सा आराम करने के लिए या खाने पीने के लिए? नहीं, एक्चुअली गोल सेटिंग होती थी. मैं इसको एक टाइम देती थी कि आज तुमने ये टाइम मुझे देना है. ओके. और वो जब अगर वो 5 मिनट में टाइम अचीव कर लेती थी तो शी वुड बी डन इन 5 मिनट्स. और सो इट वाज वेरी गोल ओरिएंटेड स्टडीइंग. ये नॉर्मली घरों में यही हो रहा होता है, लेकिन वो जो गोल होता है ना, नॉर्मली ये होता है चॉकलेट मिलेगी ये कर लो. एग्जैक्टली. ऐसी आपको ना चीजें दी जाएंगी, कुछ टॉय, कुछ फेवरेट टॉय. तो नटालिया को क्या पसंद है, आप नटालिया को क्या कहती थी? ओके. तो आप कह रहे, आपने क्या छेड़ दी बात. असल में ये जो एलिमेंट्स इसको सिखाए थे वो इसी तरह था, एक डील थी हमारी. ओके. एंड व्हाट वाज दैट डील? जब मेरे से कुछ काम पड़ता था तो मैं कहती थी 10 एलिमेंट्स के नाम याद करके आओ. आई थॉट इट वाज अ वेरी हार्ड थिंग आई वाज आस्किंग हर टू डू, बट बड़ी जल्दी सारे एलिमेंट्स के नाम याद हो गए. देन वी रिसर्च मोर अबाउट द एलिमेंट्स. Then I realized कि एक 9 साल के बच्चे को इतनी इन्फॉर्मेशन हो नहीं सकती और होती भी नहीं है. That's where we found out कि जी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है. God. और किसी भी मोमेंट पर आप दोनों को ये बिल्कुल फील नहीं हुआ कि हमारी बेटी का इंटरेस्ट इसमें नहीं है? उनका इंटरेस्ट भी था, नतालिया का इंटरेस्ट भी था? नहीं, बहुत इंटरेस्ट ही बहुत है. ये घर के अंदर छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है. मैं अक्सर काम से वापस आता हूँ, मैं देखता हूँ छत के ऊपर कुछ चीज चिपकी हुई है, कुछ हुआ हुआ है. सो शी हैज अ इंटरेस्ट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स केमिस्ट्री. और आपको एक मजे की बात बताऊं कि घर के अंदर जब इस चीज को कर रही थी तो ये प्रायोरिटी टेबल 2 मिनट 14 सेकंड्स में असेंबल कर रही थी. ओके. जब कैमराज, लोग और वो सारा कुछ आया, बिकॉज यू नो छोटी है, थोड़ी सी नर्वस हुई, तो तब जाके इसने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया. However, इसने फिर भी रिकॉर्ड तोड़ दिया. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. नतालिया, एनी अदर रिकॉर्ड यू वांट टू ब्रेक? व्हाट्स नेक्स्ट इन योर माइंड? Well, this was a long process, so we are going to sit off for a bit. But mama has her ideas. तो मामा ही बताएं फिर. मामा फिर आप ही बताएं. आप बहुत शौक है. हमारे पास 4 ऑलरेडी हैं. 3 इसको और मिल गए हैं इसके बाद, इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद. ओके. अभी आराम आराम से. जबरदस्त. ये माशाल्लाह. शेयर तो करें, कौन कौन से हैं इनके पास? मेरे पास 2 बिल्लियां और 2 कुत्ते हैं. मैं 3 और बिल्लियां लेके आ रही हूँ रेस्क्यू कर. ओह जबरदस्त. बड़ा अच्छा काम आप कर रही हैं रेस्क्यू करके. वैसे ये बताएं, इन कुत्तों बिल्लियों के अलावा कोई और जानवर भी चाहती हैं आप घर में रखना, आप कह दें. क्या पता अम्मी अबू हमारे प्रोग्राम में ही आपसे कमिट कर लें और फिर आपको मिल जाए, मांग लें. नहीं 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 नहीं. No, no, bad share idea. The list. I do. Dale, share I the have list. Wanted a snake, okay, but now snake? I am petrified. Okay. No, 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 no. Finger monkey. Okay. Monkey. All right. So she said, all right. Zabardast. और ये गिटार भी है आई गेस आपके पास. किसका शौक है? म्यूजिक का जी, शौक गिटार भी है. म्यूजिक का पियानो भी है. ग्रेट. पियानो भी है. कौन प्ले करता उसको? ये जी मुझे है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी बेटी को भी सिखाऊं. और वाओ. और बेटी को कितना शौक है? नताली, यू वांट टू लर्न म्यूजिक? आई एक्चुअली नो हाउ टू प्ले द गिटार अ बिट एंड अ बिट ऑफ द पियानो. ओके. लाइक 3 सॉन्ग्स. आकाश, हम कह सकते कुछ सुना दें? है ना?
कितना अच्छा हो जाए अगर ऐसा हो जाए तो. केमिस्ट्री से बात शुरू हो रही है, म्यूजिक पे जाके खत्म हो रही है. म्यूजिक एक्चुअली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ट्रेनिंग प्रोसेस. और ये कहीं बैकग्राउंड में बाबा तो नहीं कर रहे होते थे जो बीट चेंज होती थी? नहीं नहीं, बट वो जो बीट चेंज थी ना, वो इसको क्यू देती थी कि जी नाउ इट्स टाइम टू पुट द अगला एलिमेंट डाउन. म्यूजिक डिड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ट्रेनिंग एस्पेक्ट. वाह वाह वाह, थोड़ा सा बताए ना इस बारे में. कोई 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 पर्टिकुलर धुन हो कि जो आपको लगता हो कि भाई ये पसंद आ गई है, इसके साथ मैजिक हो सकता है या हो रहा है? एक्चुअली हम ना उसको वो करते थे, स्टॉपवॉच पे टाइम करते थे अलग अलग गाने लगाकर, ताकि उनकी जो बीट चेंज है वो हम देख सकें. हमारा गोल था कि 1 मिनट 1.11 सेकंड के अंदर इसने अगला एलिमेंट रखना है. तो कोई ऐसे गाने हो जिसकी बीट जो है वो 1.11 सेकंड में चेंज हो. तो सबसे ज्यादा जादू किस गाने में, किस धुन में था? और वो गाना जो आप तीनों के दिल के करीब हो, वो धुन जो आप तीनों के दिल के करीब हो, आप लोग फन टाइम में भी उसको प्ले करते हो, थोड़ा सा क्विकली अगर हो जाए. बहुत सारी है, चलिए अपनी पसंद की, अपनी पसंद की. आपको किसी और प्रोग्राम के अंदर हम जरूर सुनाएंगे, बल्कि मैं बिल्कुल एहतमाम करूंगी इसका. थैंक यू सो वेरी मच. ये बजाती हैं जबरदस्त, इंशाल्लाह दोबारा आपको दावत देंगे. यू ऑल आर वंडरफुल. नतालिया थैंक यू सो मच. पेरेंट्स के साथ आप सबका बेहद शुक्रिया. कीप शाइनिंग, यू आर आवर राइजिंग स्टार.